नहीं किया नहीं, केवल मैं लिख रहा हूं। अभी सब आ जाए, वापस अपन डिस्कस कर लेंगे। एक मिनट और आ जाने दो अभी बच्चों को। पहला ही पेज है, अभी बस स्टार्ट ही किया है। गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 9 है। अभी जस्ट स्टार्ट किया है, फर्स्ट पेज है। देखो, दो तरह के यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। दो तरह के सॉल्यूशंस गिवन है। एक तो दे रखा है जनरल सॉल्यूशन, इट मीन सॉल्यूशन विच कंटेन आर्बिट्री कांस्टेंट। अब आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होंगे? जैसे किसी वेरिएबल के साथ में कोई कोफिशियंट आ जाए, जैसे ए बी सी वगैरह, वह जो भी वैल्यू जाएगी, जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, प्लस सी लगाते हैं, ठीक, वह सब चीज यहां पर आपके लिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का काम करती है। अब उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर यदि हम वैल्यू निकाल लें, मान लीजिए सपोज, जैसे यहां दे रखा है वाई इक्वल टू, ये मैं समझाने के लिए लिखा है मैंने यहां ओनली y plus b sin x, here a and b are arbitrary constant, ठीक है। अब सपोज कोई कंडीशन गिवन हो हमें यहां पर y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 90, और y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 डिग्री, ऐसा यहां गिवन होता, तो उससे मैं यहां पर ए और बी की वैल्यू निकाल कर यहां पुट कर देता, ठीक है। पहला ही पेज है। क्योंकि आगे जाके हमें ऐसा करना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेशन में, होमोजीनियस में, इस तरह हमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए बी गिवन है यहां पर, उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो यहां अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहां इस एग्जाम्पल की जो रिक्वायरमेंट है वह है, वेरीफाई द सॉल्यूशन वाई इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाई इक्वल टू ए कॉस एक्स बी साइन एक्स जो गिवन है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फाइंड डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस ए साइन एक्स ए कॉस एक्स, माइनस बी साइन एक्स, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए आप, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब ये एक वैल्यू किसके इक्वल हो गई? माइनस वाई के इक्वल हो गई आपकी। वाई को इधर ले आइए, इट मीन्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
प्लस y इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये वेरीफाई आपने कर दिया यहां पर। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इस टाइप के कांस्टेंट है, जैसे यहां y इक्वल टू a cos b x जो सॉल्यूशन दे रखा है, यहां a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक। The solution which contain arbitrary constant called general solution. अब जब यहां पर हमारे पास में a और b जो unknown होते हैं, हमें unknown constant होते हैं, numerical constant की बात नहीं कर रहा मैं, unknown, जैसे a और b यहां पर है, a और b जो यहां पर हमें given है, this is arbitrary constant। और ये जो सॉल्यूशन कहलाएगा y इक्वल टू a cos x b sin x, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, ठीक। a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड दिस सॉल्यूशन इज जनरल सॉल्यूशन इफ x इक्वल टू जीरो डिग्री एंड y इक्वल टू जीरो, देन यहां पर आपकी इसकी वैल्यू क्या आएगी, cos 0 1 और sin 0 0 हो जाएगा, या यहां पे 1 ले लीजिए, y इक्वल टू 1, तो उस केस में 1 इक्वल टू a और x इक्वल टू 90 एंड y इक्वल टू 1, यदि सपोज ऐसी कोई कंडीशन हमें गिवन हो, सपोज इस तरह हमें कोई कंडीशन गिवन हो, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू cos 0 1, तो a हो गया, sin 0 0 होता है, और y इक्वल टू 1 आपने पुट किया, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 1, सेम x इक्वल टू पाई बाय 2 साइन 90 इज 1, कॉस 90 0, और y इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 1, तो a और b की वैल्यू और 1 आ जाएगी। अब जो सॉल्यूशन हमारा होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू कॉस x प्लस साइन x, विच इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। ये सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एंड दिस सॉल्यूशन इज जनरल सॉल्यूशन एंड दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये गिवन कंडीशन होगी, दिस इज गिवन कंडीशन, ये गिवन होगा आपको, तो ऐसा हम कर सकते हैं, इट मींस ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे समझा देते हैं, वाई इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और कंडीशन जरा की वाई इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 एंड 90, इस तरह गिवन होगी आपको। ये इस एक्सरसाइज में तो काम नहीं आएगा ये कंडीशंस, आगे की एक्सरसाइज जैसे वेरिएबल सेपरेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहां पे ये चीज काम आएगी, उसने इसीलिए पहले ही यहाँ इसकी डेफिनेशन दे रखी है। अब ये जो सॉल्यूशन गिवन है, ये जो सॉल्यूशन है y इक्वल टू a cos x sin bx, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, इट मींस a और b इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है।
कोरोना यार अपने को क्यों कोरोना हो यार, अपन सब एहतियात बरतते हैं, डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, मास्क लगाते हैं, कहीं आते जाते हैं तो बहुत केयरफुल देख कोरोना तो उनको हो जो यार लापरवाही से रहे। अब यहां ये इस कंडीशन का यूज करके इस जनरल सॉल्यूशन को आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हो। यार अपने यहाँ कोचिंग में तो मुझे पता नहीं किसी एक सर को हुआ था पहले, वो काफी दिन तक नहीं आए थे, मैं नाम तो उनका मिस हो रहा है, बाय फेस में जानता हूं उन्हें, पता है केजे सर है या कौन है। आप उनकी क्या तबीयत वगैरह खराब हो गई थी, पता है किसको हुआ है यार। अभी तो अपन इधर आ जाओ आप। अब जैसे हमने पहली कंडीशन डाली x इक्वल टू जीरो डिग्री और y इक्वल टू वन पर, मैंने ये वैल्यू पुट की y इक्वल टू वन, a cos जीरो डिग्री b sin जीरो डिग्री, तो उससे मेरे पास a इक्वल टू क्या आ जाएगा वन, x इक्वल टू मैंने पाई बाई टू और y इक्वल टू वन मैंने पुट किया, तो ये हो जाएगा वन इक्वल टू a cos 90 b sin 90, तो उससे b की वैल्यू आ जाएगी 1। अब जो सॉल्यूशन मेरा हो जाएगा ये हो जाएगा 1 cos x 1 sin x, इट मींस cos x plus sin x, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में अपन ने डेफिनेशन दी है उसके अंदर है फ्री फ्रॉम आर्बिटरी कांस्टेंट, तो ये आर्बिटरी कांस्टेंट से फ्री हो गया है कहना मतलब, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। और जहां पे आर्बिटरी कांस्टेंट आएगा वो सॉल्यूशन आपके जनरल सॉल्यूशंस कहलाएंगे। ठीक है, अब यहां हम एक्सरसाइज 9.2 की बात करें, इसमें दे रखा है इन ईच ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एक सॉल्यूशन दे रखा है और उसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है हमें, और उसमें उसकी रिक्वायरमेंट है कि जो सॉल्यूशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरीफाई करता है, तो वो वेरीफाई करके हमें बताना है। ये चीज एग्जांपल जो भी अपन ने नेक्स्ट पेज में जो लिखा है या इस पेज में जो ये अंडरलाइन में लिखा हुआ है क्या, इसके ये चीज हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। ठीक, ये केवल समझाने के लिए अपन ने लिखा है कि विच इज व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस अपन ले लें, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, मैं जैसे पहले क्वेश्चन अपन ने लिया, मैं क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहा हूं, वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन हमें दे रखा है वाई इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स प्लस वन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है
y double dash minus y dash equal to 0. अरे एक देखो, ये एक तरह का जनरल कंडीशन है, हर कोई अपने एग्जाम से डरता है, और डरता कौन नहीं है, जिसका है कि भाई मेरे एग्जाम की तैयारी अच्छी है, इट मीन्स जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल फुलफिल हूँ, चाहे पेपर अभी दे दे मुझे या दो दिन बाद दे दे मुझे, उसको डर नहीं होता है। इट मीन्स जो उस चीज में ही रचा बसा होता है, इट मीन्स जो उस चीज में ही लगा रहता है, तो यहां पे हमें एक सॉल्यूशन दे रखा है y इक्वल टू रेस टू पावर x प्लस 1। दिस सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस y डैश। जैसे फॉर एग्जांपल 6 का एक फैक्टर 2 होता है, इस तरह समझिए इसे, 6 का एक फैक्टर 2 होता है, तो 2 से यदि हम 6 को डिवाइड करें तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये चीज भी यहां पर भी उसी तरह से है, मैं यहां डिफरेंशिएशन करता हूं y डैश e रेस टू पावर x प्लस 0, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y डबल डैश e रेस टू पावर x, भाई e रेस टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेस टू पावर x, अब ये 1 से इस 2 के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू y डैश, एंड और भी आप लिखना चाहे तो y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0, ये सॉल्यूशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं, डायरेक्ट हम कर रहे हैं ना, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू रेस टू पावर एक्स, फिर डीवाई बाई डी एक्स का किया आपने डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू रेस टू पावर एक्स का रेस टू पावर एक्स, ठीक। ये पिछले पेज में क्या है भाई, ऐसा ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन, अरे इसको आप ऐसे देखो यार, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डीवाई बाय डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 0, यही लिखोगे ना आप, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डीवाई बाई डी एक्स, ठीक, तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और इसी को हम ये तो लिखते हैं वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0, ठीक है। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4, लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर, मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं, y इक्वल टू
रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इट मींस डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। किसी से भी निकाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वह तो एक डीवाई बाई डी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, उसका एक सॉल्यूशन हमें गिवन है वाई इक्वल टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। इफ वाई इक्वल टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ए सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। वैसे ही जैसे मैं पहले बोल रहा था, सिक्स का एक फैक्टर टू होता है, इट मीन्स टू से यदि मैं सिक्स को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो यही काम हम यहां कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन का जीरो एक्स का टू एक्स, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स ये हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो नीचे तो हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर होगा एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वाई, तो एक्स वाई अपॉन क्या हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया हमारे पास में, ठीक है, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन नंबर सिक्स भी लीजिए आप, वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इट मीन्स एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, वाई डैश एक्स का वन साइन एक्स को मैंने फ्री किया प्लस एक्स को फ्री किया और साइन का होगा कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं वाई, एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स साइन एक्स की जगह आपने लिख दिया वाई प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। देखो साइन एक्स की वैल्यू यहां पर हमें क्या गिवन है, वाई अपॉन एक्स, ठीक, तो ये हो गया वाई अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो कॉस की वैल्यू जाएगी दिस अपॉन दिस, इट मीन्स
y प्लस एक्स स्क्वायर कॉस की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, तो ये रिजल्ट आ जाएगा y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस y स्क्वायर, दिस इज x y डैश इक्वल टू, हो गया ये वेरीफाई। ठीक है, हो गया ना वेरीफाई, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस एक्सरसाइज में इसी टाइप की क्वेश्चंस की वैरायटी है। एक क्वेश्चन और अपन ले लेते हैं यहां पर, नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं, अरे डिफरेंशिएशन करना नहीं आता क्या आपको भाई? भाई आपने वाई का क्या होगा डीवाई बाई डी एक्स, एक्स का वन साइन एक्स को छोड़ा यू इन टू वी लगाए ना यहाँ पे, एक्स को छोड़ा और साइन का हो गया कोस। अब इससे मैं ऐसा लिख सकता हूं साइन एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, उसका ट्राइंगल बना दिया मैंने, ठीक, उससे कोस की वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, इसमें दे रखा है एक्स वाई इक्वल टू लोग वाई प्लस सी, और उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वह वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स वाई। अब यहां इसका डिफरेंशिएशन करें, एक्स को छोड़ा मैंने वाई का डीवाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का वन वाई को फ्री किया लोग का वन अपॉन वाई और वाई का डीवाई बाई डी एक्स और सी का जीरो। ये दोनों टर्म को पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, ठीक, तो इससे हमें मिलेगा y इक्वल टू वन अपॉन y माइनस x dy बाई डी एक्स, हमने कॉमन ले लिया यहां पर, तो y इक्वल टू वन माइनस एक्स वाई अपॉन y dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो y डैश इट मीन dy बाई डी एक्स इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब अपन बात करें क्वेश्चन नंबर एट की बात करें अपन, इसमें दे रखा है y माइनस कॉस y इक्वल टू x, और इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वह है यहां हमें y साइन y प्लस कॉस y प्लस x
y डैश इक्वल टू y, इस तरह से हमें दे रखी है। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें वेरीफाई कराना है। देखिए डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम y का y डैश, ठीक है, माइनस माइनस प्लस cos का साइन y, ठीक है, और y का y डैश इक्वल टू वन, ऐसा लिख सकते हैं हम, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब यहां पे इसमें से y डैश को कॉमन ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन y, y डैश इक्वल टू वन, ठीक है। अब यहां पे आप इससे y से बोथ साइड मल्टीप्लाई कीजिए, y से मल्टीप्लाई किया तो y प्लस y साइन y, y डैश इक्वल टू y। अब यहां हमें क्या करना है, इस y की जगह पर जो x प्लस cos y हम लिख सकते हैं, y की जगह पर मैं बाई वन, वन के थ्रू में क्या लिख सकता हूं, y की जगह पर x cos x प्लस, सॉरी x प्लस cos y प्लस y sin y, y डैश इक्वल टू y। आ गया रिजल्ट हमारा, y sin y cos y और x हो गया प्रूफ। हाँ, y से मल्टीप्लाई किया पहले हमने, और अब y की वैल्यू आपने बाय इक्वेशन नंबर वन से पुट कर दी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें कहता है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर, तो उसमें देखो फोर्थ ऑर्डर की यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, पहले तो सिंपल डिफरेंशिएशन कर दिया आपने, ये डिफरेंशिएशन कर दिया आपने, इसमें से y डैश कॉमन ले लिया, y डैश कॉमन ले लिया, हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ y की थी, बोथ साइड y से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा बन गया। अब इस y की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन नंबर वन से यहाँ पुट कर दी, ये पुट कर दी मैंने x प्लस cos y, y sin y as it is ऐसे, y डैश as it is ऐसे, cos y का डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x आप, तो cos का तो हो गया माइनस साइन y, और y का होगा dy by dx which is y dash। डैश तो हम लिख रहे हैं, चाहे आप वहां dy by dx लिखो या y dash लिखो वो चीज एक ही है, सेम ही तो होती है वो चीज। डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने के पहले मैंने लिखी थी ये चीजें, बात समझ में आई नहीं आई, क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन of differential equation of fourth order are, जो fourth order की यदि कोई differential equation है suppose, तो उसमें कितने arbitrary constant होंगे, जितने order की differential equation होती है उतने arbitrary constant उसके अंदर होते हैं। For example,
सपोज मान लीजिए डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू वन है मेरे पास में, मैंने इंटीग्रेशन किया बोथ साइड, तो इस साइड में तो हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और यहां हो जाएगा सी एक्स, वन का एक्स होता ही है तो सी एक्स प्लस डी। फिर मैंने इंटीग्रेशन किया डीवाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस डी एक्स, ये तो लिखेंगे हम डी एक्स, आप तो ये सी ले लीजिए यहां पर। अब इसका मैंने इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा सी एक्स प्लस डी, ये जी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ना हमारे पास में। अब फिर मैंने अगेन डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन किया तो सी एक्स स्क्वायर अपॉन टू डी और वन का एक्स इंटीग्रेशन प्लस ई वाई, फिर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में सी एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस डी एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी क्यूब अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस ई एक्स प्लस एफ। तो ये सी तो हमें ऑलरेडी गिवन था, अब उसके अलावा एफ ई और डी, थ्री थर्ड डेरिवेटिव में कितने आए, तीन आ गए हमारे पास में, तो फोर्थ डेरिवेटिव में कितने आएंगे, चार आ जाएंगे हमारे पास में। हाँ थ्री टू जा सिक्स कर दो कोई दिक्कत नहीं, तो यहां हमारे पास में तीन आर्बिटरी कांस्टेंट आ जाएंगे, ये सी तो ऑलरेडी गिवन था हमें यहां पर, सी ऑलरेडी गिवन था हमें यहां पर, ठीक है, और उसको आप किसी फंक्शन के थ्रू यदि लेके चलना चाहें जैसे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमें गिवन है और मान लीजिए साइन एक्स दे रखा है, ठीक। एक बार मैंने डिफरेंशिएशन किया डीवाई बाई डी एक्स, क्या होगा यहाँ पे साइन का कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी वन, फिर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो वाई इक्वल टू माइनस कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स, सी वन का क्या होगा सी वन एक्स प्लस सी टू, तो सी वन और सी टू मेरे दो क्या होंगे आर्बिटरी कांस्टेंट। तो सेकंड डेरिवेटिव थी मेरे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन, तो दो आर्बिटरी कांस्टेंट आए, थर्ड डेरिवेटिव मेरे पास में था तो उसके थर्ड डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे पास में, तो उसमें कितने आर्बिटरी कांस्टेंट आएंगे थ्री। तो ऐसे यदि फोर है तो कितने आर्बिटरी कांस्टेंट आएंगे, फोर आर्बिटरी कांस्टेंट आएंगे, आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक। अब ये कह रहा है द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूं मैं, 4D। अरे चार आर्बिटरी कांस्टेंट आएंगे जो कि आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं हम, इसमें दे रखा है जो नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, देखो इसको देखिए, सेकंड डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स, आपने बोथ साइड इंटीग्रेशन किया तो इधर तो रह जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इधर साइन का हो जाएगा माइनस कोस एक्स, और इंटीग्रेशन करते हैं तो हम सी लिखते ना प्लस सी, तो हमने लिख दिया प्लस सी वन, ठीक है। फिर मैंने इसका इंटीग्रेशन किया डी वाई बाई डी एक्स का वाई हो जाएगा कोस का माइनस साइन एक्स, सी वन का हो जाएगा सी वन एक्स
वन का एक्स होता है, इंटीग्रेशन कर रहा हूं, प्लस सी टू लिखता हूं, फिर मैं इंटीग्रेशन के बाद में हम प्लस सी वन सी टू सी लिखते हैं ना, तो वो लिखा तो यहां कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आ गए, दो। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, इसके अंदर दे रखा है द नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन है, ये यहां पे देखिए, ये जो सॉल्यूशन है ये कौन सा है, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा ये आपका। जनरल सॉल्यूशन में ही आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होते हैं, जनरल सॉल्यूशन में ही आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नहीं होता। ठीक है, नो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो उसका भी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा 12 का भी। ठीक है, सी, ये सी तो ऑलरेडी गिवन था ना हमें, यहां पे इस सी की जगह पे कोई फंक्शन ले लीजिए भाई, जैसे यहां पे मैंने इसकी जगह पे मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, तो यहां क्या हो जाएगा 2x प्लस डी। ठीक है, फिर मैं इस सेकेंड करूंगा यहां पे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है, वो तो डायरेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्टिव है इसलिए डायरेक्ट लिखना है। मैं फिर एक बार और बता देता हूं, मैं आपको फोर्थ ऑर्डर का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ये डी टू फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर e की पावर x का e की पावर x, c का हो जाएगा सी एक्स और फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो d। ठीक, फिर इसका करेंगे हम तो ये हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स ई की पावर x का e की पावर x, c x का हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर अपॉन टू, d का हो जाएगा डी एक्स और प्लस e। फिर इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, तो y इक्वल टू e रेस टू पावर x e रेस टू पावर x c x क्यूब अपॉन 6 प्लस d x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस e x, यहां तक तो इंटीग्रेशन कर दिया, फिर प्लस हम लिखेंगे f। तो फोर्थ ऑर्डर का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें 4 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट मिलेंगे। ठीक है, अब यदि अब जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में जितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होते हैं उतने ही टाइम हम उसे डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसके अंदर हमें क्या गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व बाय
eliminating arbitrary constant A and B. यहां हमें arbitrary constant A और B given है और उसकी requirement है कि इनको आप eliminate कर दीजिए, आप हटा दीजिए. जैसे question number one दे रखा है, x upon a plus y upon b equal to 1. अब क्या करना है इसमें, इन क्वेश्चन नंबर 1 to 5 फ्रॉम अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व बाय इलिमिनेटिंग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ए एंड बी. हम यहां से यदि a और b को इलिमिनेट करते हैं तो जितने आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है उतनी बार हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा. जैसे फर्स्ट एक बार मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूं तो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b y का dy by dx इक्वल टू 0. ठीक है, ए को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन a और b को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस b अपॉन a. फिर डिफ्रेंशिएशन कीजिए क्योंकि अभी भी a और b साथ में आ रहा है हमारे पास. अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x तो d टू y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0. ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक है, ये बात समझ में आई नहीं आई तो जितने भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है उतनी बार हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा. ये हटा दी एक्सरसाइज, बिल्कुल पता है अपन ने क्या, परंतु कुछ क्वेश्चंस अपन यहां पे इसके करके देख लें. आप चाहे प्रैक्टिस मत कीजिएगा इसकी, पर 2-3 क्वेश्चन अपन इसके यहां कर लेते हैं. मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 है. जैसे y इक्वल टू a e रेस टू पावर 3x प्लस b e रेस टू पावर माइनस 3x. एक बार डिफ्रेंशिएशन किया हमने y डैश तो हो जाएगा 3a e रेस टू पावर 3x माइनस 3b e रेस टू पावर माइनस 3x. अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y डबल डैश इक्वल टू 9a e रेस टू पावर 3x प्लस 9b e रेस टू पावर माइनस 3x. 9 कॉमन ले लीजिए आप, क्या बचेगा a e रेस टू पावर 3x प्लस b e रेस टू पावर माइनस 3x. अब ये क्या, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं y, तो y डबल डैश इक्वल टू 9 टाइम ऑफ y. खत्म हो गया आर्बिट्री कॉन्स्टेंट. क्वेश्चन गलत है, अच्छा 2 है यहां पर. अच्छा आप तो मान लो ना, यदि ऐसा है तो हम ऐसा कर सकते हैं. अब ठीक है, उसको वापस करेक्ट कर लेंगे. यदि ऐसा है तो हम ऐसा कर सकते हैं. अब मान लीजिए ये तो कोई क्वेश्चन था. अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम यहां पर. यहां दे रखा है y इक्वल टू a e रेस टू पावर 3x
प्लस बी ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स। ठीक, एक बार डीवाई बाई डी एक्स किया आपने, थ्री ए ई रेस टू पावर थ्री एक्स माइनस टू बी ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स। ठीक है, फिर अगेन डिफ्रेंशिएशन किया तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन ए ई रेस टू पावर थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस फोर बी ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स। अब इन में से मुझे ए बी हटाना है यहां पर। अब ए बी हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पर, ये तो हो गई इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू और ये इक्वेशन थ्री। ठीक, मैं इक्वेशन नंबर वन को टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, और इक्वेशन नंबर टू में ऐड कर रहा हूं मैं। वन को टू से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर टू में ऐड कर रहा हूं मैं, तो टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या रह जाएगा, फाइव एस टू पावर थ्री एक्स। ठीक है, फिर इक्वेशन नंबर टू को मैं वही टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और थर्ड में ऐड कर रहा हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, इक्वेशन नंबर टू को फिफ्टीन क्या कर रहे हो, ये इक्वेशन नंबर टू को थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम और सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसको थ्री से किया, थ्री डिवाइड बाई डी एक्स और सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा थ्री डिवाइड बाई डी एक्स माइनस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। नाइन नाइन खत्म हो जाएगा आपका और इस साइड में आ जाएगा आपका माइनस, इसको थ्री से किया सिक्स और ये माइनस कितना हो जाएगा टेन, माइनस टेन बी ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स। अब हमारे पास में ए की वैल्यू भी है, इट मीन्स ए ई रेस टू पावर थ्री एक्स की वैल्यू भी है, ए ई रेस टू पावर थ्री एक्स की वैल्यू हो जाएगी वन बाई फाइव टाइम ऑफ टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स एंड बी ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन बाई टेन ऑफ थ्री टाइम ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आप वन में पुट कर दीजिए, ठीक, वन में पुट कर दीजिए आप, आंसर आ जाएगा आपका। पुट इन इक्वेशन वन, कुल मिला के यहां पर हमें जितने आर्बिटेरी कांस्टेंट दे रखे हैं उतने बार हमें यहां डिफरेंशिएशन करना है, और जितने आर्बिटेरी कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएशन हम करेंगे, तो आपका ये जो आर्बिटेरी कांस्टेंट है वह इलिमिनेट हो जाएंगे। हम चाहें इस क्वेश्चन में यदि एक बार डिफरेंशिएशन करके इलिमिनेट कर दें तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस की वैरायटीज है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजन,
मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजन. अब पहले तो इसका फिगर हम बना पाए, भाई मेन चीज तो पहले फिगर बने. तो इसका जो फिगर बनेगा वो फिगर होगा इस तरह का. ये इस तरह का फिगर होगा हमारे पास में. इट मीन्स योर पास में फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजन, ओरिजन पे टच करता है. ये हमारे पास में इसका सेंटर हो जाएगा. इसके कोऑर्डिनेट यदि हम ए जीरो ले लें यहाँ पर, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो. अब इसको हम इस तरह से अरेंज करें कि जो कांस्टेंट इट मीन्स जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वह एक साइड हो जाए. तो इसके लिए हम इसको इस तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इक्वल टू टू ए. ऐसा लिख सकते हैं हम बिल्कुल. टू एक्स को राइट में ले गए और एक्स को अपॉन में डाल दिया. अब डिफरेंशिएशन कीजिए यहां पर. तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया हमारे पास नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन. इट मीन टू एक्स प्लस टू वाई, वाई का डीवाई बाई डी एक्स, ठीक, माइनस ऊपर वाली टर्म इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स का वन इक्वल टू जीरो. अब देख लीजिए इसमें कहीं भी ए नहीं आ रहा आपका. तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट था तो हमने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, परंतु वो एक सिस्टमेटिक वे में हो, वो इस तरह से हो कि वह डेरिवेटिव खत्म हो जाए. तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर. टू एक्स वाई डीवाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. वो चार मेंस की जो बात कर रहे थे वो चार मेंस होंगे. आज न्यूज़पेपर में भी आया है उसका. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डीवाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो. इस तरह ये होगा. भाई आपका डिनोमिनेटर तो जीरो में चला जाएगा, बाकी जो बचा है सिंप्लीफाई कर लिया मैंने. ठीक है भाई, जो आपका इस सेकंड लास्ट लाइन के लिए कह रहे हो तो आप एक्स स्क्वायर को उधर ले जाइए, जीरो हो जाएगा. बाकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. एक एक्स स्क्वायर और कम कर दीजिए, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. चलो ठीक है, आज की यहीं पे स्टॉप करते हैं. कल सम मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे. फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इट मीन्स यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स हो और उसकी होल पावर भी क्या हो, वन हो. इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करेंगे. और यदि किसी को स्क्रीनशॉट